साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था के विस्तार को देखते हुए ये भी स्वाभाविक है कि आने वाले वर्षों में हमारी एनर्जी डिमांड और बढ़ने जा रही है। ऐसे में हमें एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में हाइड्रोकार्बन्स की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अभी देश की ऊर्जा जरूरत मुख्यतः कोयले से पूरी होती है। आने वाले दिनों में इसे हमें गैस और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी से भी संतुलित करना पड़ेगा। कार्बन रिलेटेड एमिशंस को कम करना हमारे सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, हमारी परंपरा का हिस्सा है और दुनिया को हमने COP21 में सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट देकर के हम इस मूवमेंट में जुड़े हैं। न्यू इंडिया में हमें एक ऐसे एनर्जी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो इक्विटी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत पर चले। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम घरेलू सप्लाई को कितना बढ़ा पाते हैं और आयात पर अपनी निर्भरता कितनी कम कर पाते हैं। अगर 2022 तक हम तेल आयात में 10% की कटौती कर सकें तो ये सिर्फ उद्योगों को ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। पिछले 10 वर्षों में क्रूड इंपोर्ट्स पर हमने लगभग $1 ट्रिलियन खर्च किया है। यह हमारे आम बजट से भी करीब करीब 3 गुना ज्यादा है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि तेल आयात की कटौती करके जो राशि बचेगी वो जब देश के ग्रामीण इलाकों में हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विकास की योजनाओं पर खर्च होगी तो कितना ज्यादा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। साथियों, पिछले 3 वर्षों में ऑयल और गैस सेक्टर में सुधार करते हुए कई बड़े कंज्यूमर सेंट्रिक इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से जोड़ना, पाइप नेचुरल गैस सप्लाई और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करना, एलपीजी कवरेज बढ़ाना। इसके अलावा पॉलिसी स्तर पर भी कई बड़े फैसले किए गए हैं, जैसे लिक्विड फ्यूअल्स की कीमत को डीरेगुलेट करना, गैस प्राइसिंग के लिए नई नीतियां बनाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नए उपाय खोजना, हेल्प यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाना, डीएसएफ यानी डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड की नीलामी के लिए पॉलिसी का गठन करना, फर्टिलाइजर सेक्टर में गैस पुलिंग करना,